आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बल्लाखेर पाकिस्तानी टीम का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी में क्या नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है या किसी नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है या वही पुराना स्क्वाड होगा, तो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से बात करें तो 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ए ग्रुप में मौजूद है जहां पाकिस्तान के अलावा इंडिया, आयरलैंड, यूएसए और कनाडा शामिल हैं। पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से बात करें तो 6 जून को अमरीका के खिलाफ, 9 जून को इंडिया के खिलाफ, 11 जून को कनाडा के खिलाफ और 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मध्य मुकाबले होना है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में तो एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम की क्यादत टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को सौंपी गई है। जबकि दीगर खिलाड़ियों के हवाले से बात करें तो ओपनर बल्लेबाज सैम अयूब, ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, ओपनर बल्लेबाज फहद जमान, ओपनर बल्लेबाज उस्मान खान, विकेटकीपर आजम खान, ऑलराउंडर इमाद वसीम, ऑलराउंडर इफ्तार अहमद, फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी, ऑलराउंडर शादाब खान, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी, फास्ट बॉलर नसीम शाह, फास्ट बॉलर हारिस रो और स्पिन बॉलर अबरार अहमान शामिल हैं। क्या आप टी20 वर्ल्ड कप के इस टीम से मुत्तफिक हैं? क्या इस टीम से आप खुश हैं कि यही टीम होनी चाहिए थी या किसी नए खिलाड़ी का इजाफा होना चाहिए था?